फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है और आज मैं बात करूंगी डेटा गवर्नेंस के बारे में। तो शुरू करते हैं। हम आज डिस्कस करेंगे कि डेटा गवर्नेंस क्या होता है, हमें डेटा गवर्नेंस की ज़रूरत क्यों है, डेटा गवर्नेंस क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करता है या अपने साथ लेकर आता है, और डेटा गवर्नेंस अगर हमें शुरू करना है या मैं डेटा गवर्नेंस को अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो क्या उसका एक प्लान होगा, क्या रोड मैप होगा और कौन कौन से टूल्स जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि डेटा गवर्नेंस क्या है, तो जैसे कि नेम सजेस्ट है डेटा गवर्नेंस, ओके, तो गवर्नमेंट अगर हम बात करें इसको ऐसे समझें कि गवर्नमेंट क्या करती है। गवर्नमेंट हमारे बहुत सारे रूल्स, लॉज, पॉलिसी डिफाइन करती है जिससे कि सब लोग उसको फॉलो करें और हम सब लोग आराम से रह पाएं। अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट आता है तो हमारे पास लॉज हैं, हमारे पास पॉलिसीज़ हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने पीस के लिए। तो अगर ये रूल्स, पॉलिसीज़ और लॉज नहीं होते तो जिसका जो मन होता वो करता और एक कंट्री में जो है पीस को मेंटेन करना टफ होता, राइट? तो डेटा गवर्नेंस जो होता है वो डेटा को गवर्न करता है। डेटा को गवर्न करना मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा डेटा है, लेकिन वो डेटा अगर कोई रूल्स, कोई प्रोसेस या पॉलिसी नहीं फॉलो कर रहा है, या डेटा हर जगह पे बिखरा हुआ है या अलग अलग डेटा बेसिस में है, डेटा हमारा स्कैटर्ड है, तो उस समय पे हम डेटा का प्रॉपर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कहाँ पर है हमारा एक्चुअल डेटा, कौन सा डेटा है, डेटा का क्वालिटी कैसा है। तो डेटा जो है हमारे लिए, अगर डेटा गवर्नेंस हम यूज़ नहीं करते हैं या कोई रूल्स एंड पॉलिसीज़ नहीं लगाते हैं डेटा पे, तो वो जो डेटा है वो हमारे लिए एक तरह से किसी यूज़ का नहीं है। तो उसको यूज़फुल बनाने के लिए हमें उसको गवर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जो है डेटा गवर्नेंस को एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो डेटा गवर्नेंस अगर सिंपल टर्म्स में बताते हैं तो डेटा को कंट्रोल करना जिससे कि डेटा जो है हमारा सिक्योर रहे और कंसिस्टेंट रहे, मतलब एक जैसा रहे। तो डेटा को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हम कैसे करेंगे? हम बहुत सारे रूल्स डिफाइन करेंगे, हम प्रोसेसेस बनाएंगे और हम हर एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी डेटा से डील कर रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर इस डेटा में कोई प्रॉब्लम आई है तो वो कौन सा जो है पर्सन उस प्रॉब्लम को सही करेगा, कौन सा पर्सन उस प्रॉब्लम को सिर्फ कंज्यूम करेगा, कौन सा पर्सन उस प्रॉब्लम को यू नो मॉनिटर करेगा। तो ये सबकी अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो अगर हम ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं। तो डेटा गवर्नेंस जो है इन्हीं तीन चीज़ों पे वर्क करता है, रूल्स पे, प्रोसेसेस पे और पीपल्स या अकाउंटेबिलिटी पे। तो हमें डेटा गवर्नेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो हमें डेटा गवर्नेंस की ज़रूरत जो है बहुत सारे रीजंस हैं, तो अगर मैं एक एक करके बात करती हूँ। सबसे पहले डेटा सिक्योरिटी, ठीक है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे साइबर अटैक्स भी होते हैं, बहुत सारे हैकिंग भी होती है, तो इससे जो हमारा इम्पॉर्टेंट डेटा है वो डेटा ब्रीच होता है और उससे कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा लॉस भी होता है और बहुत ज़्यादा फाइन भी लगता है। तो डेटा जो है हमारा, जो इम्पॉर्टेंट, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है हमारी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हॉस्पिटल है और अगर उसमें पेशेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट या क्रिटिकल डेटा स्टोर है किसी पेशेंट की डिसीज़ के बारे में या कुछ भी, तो वो कहीं से भी लीक नहीं होना चाहिए, वो डेटा सिक्योर रहना चाहिए, वो किसी को भी एक्सेस नहीं होना चाहिए इजीली, राइट? तो ये सारे जो हमारे डेटा ब्रीचेज हैं इनको रोकने के लिए हमें डेटा सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। डेटा सिक्योरिटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको मैं आगे कवर करूंगी किसी और वीडियो में, बट ये मैं बताना चाह रही हूँ इस वीडियो में कि डेटा गवर्नेंस डेटा सिक्योरिटी पे भी काम करता है। देन हमारे पास है डेटा कंप्लायंस। डेटा कंप्लायंस मतलब होता है कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी कुछ पॉलिसीज़ बनाता है जिसके द्वारा वो डेटा को डेटा के फ्लो को, डेटा के यूज़ को, डेटा के एक्सेस को कंट्रोल करता है।
ठीक है, जब हम कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो हमें बहुत सारे पॉलिसीज़ या सब कुछ बताए जाते हैं कि कंपनी के क्या रूल्स हैं, हमें किस पॉलिसीज़ को फॉलो करना है। ओके, या फिर अगर हम किसी कंट्री की बात करें तो अगर हम किसी कंट्री में डेटा यूज़ कर रहे हैं तो उस कंट्री के भी अपने एक अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। मतलब हमारा वो डेटा अगर हम उस कंट्री में हैं तो वो डेटा और किसी कंट्री में जाने से पहले उसमें क्या प्रोटेक्शन होगी, वो डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है कि नहीं हो सकता कंट्री अक्रॉस कंट्री, तो ये सारे कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ यूरोप की, तो वहाँ पर जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो कि पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए है, GDPR, तो वो जो है मोस्टली सब कंपनी जो यूरोप से ऑपरेट करती है उनको फॉलो करना पड़ता है। तो अगर कोई कंपनी ये पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करती है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत ह्यूज पेनल्टीज़ लगाती है। अगर आपने कंप्लाइंट नहीं है, अगर आपकी पॉलिसीज़ ब्रीच हो गई हैं, तो एक तो कंपनी का उसमें बहुत बड़ा लॉस होता है, प्लस उसको जो भी उसका रिवेन्यू है उसका कुछ परसेंट उसको एज अ पेनल्टी देना पड़ता है। तो कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि वो इस तरह की गलती करे और उसको उसकी पेनल्टी लेनी पड़े। तो इसका प्रोएक्टिवली हमें उसको पहले से ही सब कुछ बचा के रखने के लिए, सब कुछ पहले से ही कंप्लाइंट होने के लिए डेटा गवर्नेंस यूज़ करना करना पड़ता है, जिससे कि हमारा जो डेटा है वो सारे पॉलिसीज से कंप्लाइंट रहे। तो देन वी हैव डेटा क्वालिटी। डेटा क्वालिटी मीन्स अगर हमारा डेटा जो है वो इनकम्प्लीट है, जो इन्फॉर्मेशन है हमारी वो पूरी नहीं है हमारे पास, या फिर डेटा जो है वो सही नहीं है, कंप्लीट है लेकिन वो सही नहीं है, या फिर हमारे पास एक से ज़्यादा रिकॉर्ड हैं एक ही पर्सन के, या एक ही चीज़ के हमारे पास डुप्लीकेट डुप्लीकेट डेटा है, तो ये सारी जो दिक्कतें हैं ये डेटा क्वालिटी को दर्शाती हैं। तो अगर हमारी डेटा क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हम उस डेटा को कैसे यूज़ करेंगे, हम उस डेटा पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाएंगे। हम उस डेटा का जो यूज़ करके अगर हम कुछ डिसीजन भी लेते हैं तो वो डिसीजन भी हमारा जो है ट्रस्टवर्दी नहीं होगा, क्योंकि डेटा ही अपने आप में ही पुअर क्वालिटी का है। तो अगर हम डेटा एंड गवर्नेंस इम्प्लीमेंट करेंगे तो इससे हम डेटा क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। देन वी हैव रिमूव डेटा साइलोस। डेटा साइलोस क्या होता है कि हमारा सेम डेटा जो है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में है और वो मिसमैच है, या फिर हम डेटा साइलोस कह सकते हैं कि जो डेटा है वो बिखरा हुआ है, मतलब एक जगह नहीं है, राइट? कि अगर मुझे सपोज़ फिनेंस है, फिनेंस एक डिपार्टमेंट है, तो फिनेंस का डेटा जो है मेरा मार्केट एंड सेल्स में भी है, फिनेंस का डेटा फिनेंस में भी है, फिनेंस का डेटा ऑपरेशंस में भी है, तो हर जगह है। तो अगर मुझे फिनेंस का टोटल डेटा देखना है तो मैं किसी एक डिपार्टमेंट में नहीं जाऊंगी, मुझे सारे डिपार्टमेंट्स को कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर हमारा डेटा अलग अलग जगह है तो हम उसकी जो 100% जो उसका यूज़ कर सकते हैं वो नहीं होगा। ये जो है डेटा गवर्नेंस इस चीज़ को भी रिमूव करता है। देन वी हैव डिसीजन मेकिंग। तो डेटा गवर्नेंस जो अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो जैसे हमने देखा कि डेटा क्वालिटी इम्प्रूव होती है, डेटा हमारा ट्रस्टवर्दी होता है, प्लस सिक्योर रहता है, कंप्लाइंट रहता है रेगुलेशन से, ठीक है? तो अगर ये सारी चीज़ें हमारे डेटा में आ जाती हैं तो हमारे जो डेटा है अगर हम उस पे उसको देख के कोई डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन हमारा सही रहेगा, दैट डिसीजन विल बी एक्यूरेट। तो डिसीजन मेकिंग पे बहुत बड़ा असर पड़ता है अगर हमने डेटा गवर्नेंस अच्छी तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया है। देन इम्प्रूव एफिशिएंसी। अब अगर हम अच्छा डिसीजन लेंगे, हमारा अच्छा डेटा होगा, तो हमारी एफिशिएंसी मतलब जो डेटा से हमें आउटकम मिलता है वो हमारा बहुत अच्छा होगा। तो डेटा गवर्नेंस हमें इसीलिए ये सारे फैक्टर्स को देख के, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये सारे फैक्टर्स हैं, अगर हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं है, सिक्योरिटी हमारे डेटा की अच्छी नहीं है, या फिर हम कंप्ला में पता नहीं कि हम डेटा कंप्लाइंट कर पा रहे हैं कि नहीं, तो ये सब अगर हमें नहीं पता या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीज़ें अभी नहीं हैं, तो हमें डेटा गवर्नेंस अगर हम इसको कॉन्सेप्ट को या इस को यूज़ करते हैं तो हमारा ये सारी चीज़ों को हम इम्प्रूव अपने ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है डेटा गवर्नेंस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेटा गवर्नेंस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है कि जो डेटा गवर्नेंस होता है उसका एक फ्रेमवर्क होता है।
मतलब कि उसमें ऑलरेडी कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से निर्धारित की गई हैं। तो अगर हम डेटा गवर्नेंस को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो निर्धारित रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं हमें उनको फॉलो करना है, जिससे कि हमें पता चले कि कौन सा पर्सन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसका उस जगह पर रोल क्या है। तो जब हम क्लियरली क्रिस्पली हम जब ये डिफाइन करते हैं तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहता और डेटा को भी एक अकाउंटेबिलिटी मिलती है कि ये पर्सन किस डेटा के लिए अकाउंटेबल है। तो कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव लेवल, ये एक रोल है एग्जीक्यूटिव लेवल। इसमें कौन कौन लोग आते हैं? इसमें होता है चीफ डेटा गवर्नेंस ऑफिसर या चीफ डेटा ऑफिसर। वो क्या करता है, सबसे जो हाईएस्ट लेवल होता है डेटा ऑफिसर का, दैट इज़ चीफ डेटा ऑफिसर। तो ये जो एग्जीक्यूटिव लेवल है इसमें जो हायर लेवल के लोग होते हैं वो होते हैं, और ये लोग जो हैं डेटा गवर्नेंस काउंसिल बनाते हैं, इनके अंडर जो है डेटा गवर्नेंस की टीम काम करती है। प्लस ये लोग जो होते हैं ये डेटा गवर्नेंस के प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं और फंडिंग देते हैं या स्पॉन्सर करते हैं। एंड हमारे पास आता है स्ट्रेटेजिक लेवल। स्ट्रेटेजिक लेवल के लोग क्या होते हैं, ये सीनियर लेवल के होते हैं, बट डेटा ऑफिसर से जो नीचे लेवल के लोग होते हैं सीनियर पीपल होते हैं, और इनका जो काम है जो डेटा गवर्नेंस की पॉलिसीज़ हैं या रूल्स हैं या कोई प्रोसेसेस है या कोई टूल हमने यूज़ किया है तो ये सब उस चीज़ों को अप्रूव करते हैं। तो इनका काम है कि जो भी डेटा गवर्नेंस टीम इम्प्लीमेंट कर रही है उसको अप्रूव करना, और ये देखते हैं कि सबके पास इनफ बैंडविड्थ है कि नहीं, मतलब ऐसा ना हो कि कोई टीम ज़्यादा काम कर रही है किसी टीम के पास बिल्कुल काम नहीं है। तो ये सब चीज़ें ये मॉनिटर भी करते हैं। फिर होता है टैक्टिकल लेवल। इस लेवल में क्या होता है, डेटा स्टूवर्ड्स रहते हैं जो कि एक्चुअल डेटा में काम करते हैं। ये जो होता है इनका रोल क्या होता है कि कोई भी अगर डेटा में इशू है तो उसको ये आगे बताते हैं, ये अपने सीनियर्स में सीनियर लेवल पे बताते हैं कि ये इशू हमारे डेटा पे है, और ये जो है डॉक्यूमेंटेशन पे भी काम करते हैं कि अगर हमारे डेटा जो है वो क्लासिफाई करना है, मतलब कि कौन सा डेटा प्राइवेट है जो हमें ऑर्गेनाइजेशन में ही रखना है, कौन सा पब्लिक है जो हम पब्लिकली भी शेयर कर सकते हैं, राइट। तो ये सारा जो डेटा का क्लासिफिकेशन है तो उस पर, और जो रूल्स हैं जो हमें डेटा का रूल, हमें कैसे डेटा को यूज़ करना है, कौन यूज़ करेगा कौन यूज़ नहीं करेगा, तो ये सारे रूल्स भी जो हैं इसका डॉक्यूमेंट ये क्रिएट करते हैं और ये रूल्स भी बनाते हैं, कंप्लायंस रूल्स और बिजनेस रूल्स, जिससे कि डेटा को यूज़ किया जाए। फिर आता है ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल लेवल में भी डेटा स्टूवर्ड्स ही होते हैं। ये जो होते हैं डेटा को डिफाइन करते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन उस डेटा को यूज़ करेगा। ऐसा नहीं है कि हर किसी के पास हर सारे डेटा का एक्सेस होगा, या फिर जो डेटा है वो कौन से डिपार्टमेंट से कहाँ फ्लो हो सकता है, कहाँ इस डेटा को एक्सपोज नहीं करना है, तो ये किस तरह से यूज़ होगा ये ऑपरेशनल लेवल डिफाइन करता है। प्लस डेटा को क्रिएट भी करते हैं, कोई डेटा में अपडेट्स चाहिए तो वो भी करते हैं, अगर डेटा को यूज़ नहीं है तो उसको रिटायर भी करते हैं, तो ये सारा काम भी ये लेवल पर होता है। फिर होता है सपोर्ट लेवल। तो डेटा गवर्नेंस प्रोग्राम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो इसमें हमें डिफरेंट टीम का सपोर्ट चाहिए, जैसे कि एडमिन टीम, एडमिनिस्ट्रेटर या डेटा गवर्नेंस ऑफिसर। इसमें क्या होता है, ये आर्किटेक्ट होते हैं, इसमें डेटा आर्किटेक्ट जो कि डेटा गवर्नेंस प्रोग्राम को पूरा बनाते हैं, आर्किटेक्ट उसको करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम डेटा गवर्नेंस में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे ये पूरा प्रोग्राम होगा, कहाँ कहाँ से मतलब कनेक्शन किस तरह से होगा, पहले क्या होगा बाद में क्या होगा, ये सारी चीज़ें, राइट। तो ये आर्किटेक्ट का काम होता है। फिर डेटा गवर्नेंस पार्टनर, डेटा गवर्नेंस पार्टनर में आता है आपका आईटी पीपल, जो कि हम डेटा को सिक्योरिटी के लिए चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लोग होते हैं जो कि प्रोजेक्ट को स्मूथली चल पाए हमारा उसके लिए होता है। देन रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस, जो लोग इन लॉज में या रेगुलेटरी कंप्लायंस या ऑडिट लीगल में जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसमें इंक्लूड रहते हैं। फिर कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के लोग, जो कि कम्युनिकेशन ईमेल सेंड करते हैं कि क्या अपडेट्स हैं डेटा गवर्नेंस की। और फिर एचआर, जो कि रिसोर्सेज हायर करते हैं। और डेटा गवर्नेंस की जो एक्चुअल वर्किंग टीम होती है उसमें क्या होता है, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो डेटा को जैसे मैंने बताया डिफाइन करते हैं, उसकी क्वालिटी को, उसकी प्रोडक्शन को, प्रोटेक्शन को सब इम्प्रूव करते हैं।
उसका यूजेज को इम्प्रूव करते कि डेटा जो हमारा डेटा है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में आ सके, ठीक है। तो ये सारे काम जो होते हैं इस लेवल पे होते हैं। अब आते हैं, अगर हमें डेटा गवर्नेंस को स्टार्ट करना है तो हम कहाँ से करें। तो सबसे पहले जो है हमें आइडेंटिफाई करना होगा डेटा गवर्नेंस की लीडरशिप और उसका स्कोप, मतलब लीडरशिप कौन कौन से जो बड़े लोग बड़े लेवल पे लोग हैं वो कौन लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, और इसमें हमारा स्कोप मतलब डेटा गवर्नेंस में क्या क्या चीज़ें करना चाह रहे हैं। क्योंकि डेटा गवर्नेंस में तो डेटा सिक्योरिटी भी रहेगी, डेटा मैनेजमेंट भी रहेगा, डेटा एक्सेसिबिलिटी भी रहेगी, आपका डेटा क्वालिटी भी रहेगी, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। बट ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी कमियाँ हों। हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में डेटा सिक्योरिटी अच्छी हो लेकिन डेटा क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो। तो जो भी स्कोप में आएगा, जो जो हमें करना है, बस हम उतना एक स्कोप डिफाइन करेंगे। फिर होता है स्ट्रैटेजी बनाना कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसका एक रोड मैप कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो ये पूरा एक लिंक या रोड मैप बनता है। तो इसके लिए ऑनलाइन डेटा गवर्नेंस चार्टर भी अवेलेबल हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपना एक ऐसा प्लान टेम्पलेट भी आप अपना खुद का बना सकते हैं जिसमें आप स्ट्रैटेजी डिफाइन करें कि पहले हम डेटा क्वालिटी पे काम करेंगे, पहले सारा डेटा हम एक जगह पे लाएंगे कंसोलिडेट करेंगे, या हम एक डेटा लेक में सारा डेटा डंप करेंगे। फिर हम डेटा लेक में डेटा डालने के बाद उस डेटा पे डेटा क्वालिटी रूल्स रन करेंगे, कोई डेटा क्वालिटी टूल यूज़ करेंगे। जब डेटा क्वालिटी हमारी इंप्रूव हो जाएगी फिर हम देखेंगे कि उसमें कितना सेंसिटिव डेटा है, उस सेंसिटिव डेटा को हम किस तरह से प्रोटेक्ट करें। ओके, उसमें हमें कोई प्रोटेक्शन के लिए कोई डेटा एक्सेस का किसी यूज़र को एक्सेस देना है नहीं देना है, उसमें एन्क्रिप्शन यूज़ करना है कि नहीं करना है, तो ये सिक्योरिटी पे काम करेंगे। फिर हम देखेंगे कोई डुप्लीकेट डेटा तो नहीं है, अगर डुप्लीकेट डेटा है तो उसके लिए मास्टर डेटा मैनेजमेंट यूज़ करेंगे, राइट। तो ये हमारा एक रोड मैप है कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें, राइट। तो ये हम डेवलप करेंगे स्ट्रैटेजी, ये सब अभी हमारा पेपर्स पे रहेगा। देन होगा चूज़ अ मॉडल फॉर डेटा गवर्नेंस टीम। तो अभी जो मैंने आपको इससे पहले बताया कि हमारी एक टीम होती है, उसमें कौन कौन से लेवल होते हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल होता है, टेक्टिकल लेवल होता है, ऑपरेशनल लेवल होता है। तो इस तरह से आप एक टीम अपनी, एक डेटा गवर्नेंस टीम आप बना सकते हैं। एक डेटा गवर्नेंस टीम में कौन कौन से आपको लोग चाहिए, कौन कौन सा लेवल आपको चाहिए, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। देन स्टीयरिंग कमेटी हमें सेलेक्ट करनी है। स्टीयरिंग कमेटी का काम क्या होता है, जो डिसाइड करती है किस प्रायोरिटी में काम होगा, ठीक है। प्रायोरिटी मतलब पहले मैं डेटा सिक्योरिटी पे काम करूँगी या डेटा क्वालिटी पे काम करूँगी, या अभी ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, तो वो प्रायोरिटी डिफाइन होती है इसमें, ठीक है। देन वी हैव हमारे पास सेटिंग अप द डेटा गवर्नेंस ऑफिस। डेटा गवर्नेंस ऑफिस मतलब एक टीम बनती है जिसमें एक लीड रहता है, एक कोऑर्डिनेटर रहता है, आईटी के पीपल रहते हैं। चूजिंग द डेटा गवर्नेंस वर्किंग ग्रुप, देन उसमें कौन कौन लोग काम करेंगे, तो इसमें मैनेजर डायरेक्टर रहते हैं बिजनेस ग्रुप के, बिजनेस यूनिट के, मतलब जिनका हम डेटा सही करें। सपोज हम मार्केट एंड सेल्स का डेटा को हमने सही करना है, उसमें डेटा गवर्नेंस इंप्लीमेंट करना है, तो हम मार्केट एंड सेल्स के लोगों को भी लेंगे क्योंकि उनको अपनी पेन पॉइंट्स है, उनको पता है कि डेटा में क्या क्या सुधार चाहिए। फिर डेटा क्वालिटी के लोग होंगे क्योंकि हमें डेटा क्वालिटी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। डेटा स्टूवर्ड्स चाहिए जो एक्चुअल में डेटा पे काम करेंगे। एक डेटा आर्किटेक्ट चाहिए जो बताएंगे कि कौन कौन से हम टूल्स यूज़ कर सकते हैं, कैसे होगा, कैसे हम डिफरेंट टूल्स को इंटीग्रेट करेंगे, ये सब चीज़ें। आईटी के रिसोर्सेज चाहिए हैं, और हमारे पास मेटा डेटा लीड या जो डेटा के बारे में जो इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है वो सब मैनेज करने के लिए भी हमें लीड या टीम चाहिए। देन वी हैव डेटा गवर्नेंस सपोर्ट टीम। फिर हमें सपोर्ट टीम में कौन कौन चाहिए, डेटा ओनर्स मतलब अगर मैं मार्केट एंड सेल्स लूँ तो मार्केट का डेटा कौन ओन करता है उनकी टीम में, सेल्स का डेटा कौन देखता है, प्री सेल्स का डेटा कौन देखता है, तो डेटा ओनर्स होने चाहिए। डेटा स्टूवर्ड, आर्किटेक्ट, डेटा मॉड्यूलर जो डेटा मॉडलिंग पूरी करेंगे, किस तरह से डेटा स्टोर होगा हमारे डेटा बेस में, तो डेटा मॉडलिंग होगी। और डेटा एनालिस्ट होंगे जो डेटा पे एनालिसिस रन करेंगे कि उसकी क्वालिटी पहले कैसी थी, अभी कैसी है, क्या इम्प्रूवमेंट आया है, ये सब। तो ये एक हमारा, इसके बाद हम ये सिलेक्ट करेंगे। देन हमारे पास हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। तो हमें किस तरह से डेटा को नेम करना है, क्या क्या हमें पॉलिसीज बनानी है जिससे कि जो भी हमें इश्यूज़ हैं अभी वो ना हो, किस तरह से सिक्योरिटी देनी है। जैसे अभी मुझे लगता है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो है डेटा सिक्योर नहीं है,
वो हो सकता है जो जो सेंसिटिव डेटा है या जो मेरे ऐसा पर्सनल डेटा है जो मैं नहीं चाहती कि बाहर पब्लिक में जाए, वो भी बाहर अगर जा रहा है तो मुझे एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी कि जो सेंसिटिव डेटा है वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लोग जिनके पास ऑर्गेनाइजेशन का आईडी हो या वो ही लोग यूज़ करें, बाहर के लोग ना इसको देख पाए। तो इस तरह की जो हमें पॉलिसीज़ और प्रोसीजर बनाने पड़ेंगे। देन हमें एक इम्प्लीमेंट या इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी स्किल्ड बिजनेस टीम। बिजनेस टीम का क्या रोल होता है इसमें कि जो हमारी बिजनेस टीम होती है उनको बिजनेस के बारे में नॉलेज है, तो हम अगर डेटा डेटा के और टेक्निकल जो लोग हैं जो उस पर काम करेंगे लेकिन उनको नहीं पता कि वो जो काम कर रहे हैं वो एक्चुअल में बिजनेस के लिए कितना यूज़फुल है, तो बार बार हमें बिजनेस से चेक करना पड़ेगा कि उनकी जो नीड्स हैं वो सही हो रही हैं कि नहीं। तो अगर बिजनेस हमारा डेटा गवर्नेंस प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करेगी या उसको नहीं लगेगा कि इसका कोई यूज़ है तो हमारा डेटा गवर्नेंस प्रोग्राम फेल है। देन हमारे पास एक आईटी टीम होनी चाहिए जो कि आईटी के लोग हो जिनको पता है कि पॉलिसीज़ कैसे इम्प्लीमेंट करनी है और डिफरेंट टूल्स की टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो ये सब। अब हमारे पास कुछ टूल्स हैं मार्केट में डेटा गवर्नेंस टूल जो कि हम यूज़ कर सकते हैं हमारे बजट के हिसाब से और हमारी नीड्स के हिसाब से हम टूल्स को चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कुछ एक लिस्ट यहाँ पर बनाई है टूल्स की, इसमें से आप लोग टूल्स को देखिए, इसमें से किसी किसी के फ्री ट्रायल्स भी हैं, तो अगर आपको यूज़ करने से पहले इनके ट्रायल्स लेने हैं तो आप वो करके देखिए और चूज़ करिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टूल है कोलेब्रा है। कोलेब्रा जो एक टूल है डेटा गवर्नेंस का, ये ऑलमोस्ट बहुत सारे जगह पे यूज़ होता है। इसमें हम डेटा कैटलॉगिंग कर सकते हैं, डेटा क्वालिटी भी इसमें हम सेम टूल में हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। इसमें हम बहुत सारे ऐसे डेटा लीनेज, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके फीचर्स हैं हम यूज़ कर सकते हैं। जो इसका एक मुझे एक मतलब कौन कह सकते हैं वो एक है कि इसको हमें किसी मतलब इसको एक्चुअल में डिप्लॉय करना, इंटीग्रेशन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन हमें अपनी नीड्स के हिसाब से टूल चूज़ करना है, राइट। तो ये टूल है। देन हमारे पास होता है इन्फॉर्मेटिका। इन्फॉर्मेटिका भी का भी जो डेटा गवर्नेंस टूल है इसका नाम होता है एक्सॉन डेटा गवर्नेंस, और ये भी क्लाउड बेस्ड है। तो और ये इन्फॉर्मेटिका के सारे प्रोडक्ट के साथ अच्छी तरह से इंटीग्रेट भी हो जाता है, और इसमें हम सेल्फ सर्व, जैसे कि हम हर कोई बिजनेस पर्सन को अगर देखना है कि डेटा गवर्नेंस में क्या चल रहा है तो उसको एक टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही देख सकता है जाके। अगर इसका मैं कौन बताऊँ तो ये इन्फॉर्मेटिका के अलावा किसी और जगह पे हमें अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और प्लस इनके इनका जो है फ्री ट्रायल नहीं है। देखिए ये जो मैंने डेटा अभी जो मैं टूल्स के बारे में बता रही हूँ, ये हो सकता है 100% राइट इन्फॉर्मेशन ना हो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कीप अपडेटिंग कीप चेंजिंग। तो जब आप लोग अपना इन्फॉर्मेशन अगर चेंज होता रहता है तो अगर आप लोग जब इम्प्लीमेंट करें तो अपना खुद का एक रिसर्च करें, ये आपके लिए एज अ रेफरेंस का काम करेगा जहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से टूल हैं, अपनी रिसर्च के हिसाब से ही आप डिसीजन लें। फिर अगर मैं टैलेंट की बात करूँ तो इनका जो टूल है वो यूनिफाइड डेटा फैब्रिक है, और इसके भी कुछ फीचर्स हैं जैसे कि इसके जो अच्छे फीचर्स हैं इनकी वेबसाइट पे ही हम देख सकते हैं। इनका फ्री जो है ओपन सोर्स वर्जन है इनका जो है टूल का, और इंटरफेस भी काफ़ी अच्छा है जो कि हर कोई चला सकता है, और इंटीग्रेट भी अच्छे से होता है। एक चीज़ है कि इसका जो टेक्निकल सपोर्ट है वो अच्छा नहीं है। देन आईबीएम का जो टूल है वो आईबीएम वॉटसन नॉलेज कैटलॉग के नाम से है, और इनका भी फ्री ट्रायल अवेलेबल है, बट ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है अगर किसी नए को सीखना है, और इसमें डेटा क्वालिटी के जो फीचर्स हैं वो भी इम्प्रूव हो सकते हैं। देन आरविन इसका जो है ये एक्वायर किया है क्वेस्ट ने, और इनका जो टूल का नाम है डेटा इंटेलिजेंस टूल है। इनका भी फ्री ट्रायल है और अफोर्डेबल प्राइजेस हैं, इसमें भी अच्छे फीचर्स हैं, बट इसका जो इंटरफेस है वो माना जाता है कि अच्छा नहीं है। ASG टेक्नोलॉजी, इसके भी थाउजेंड ऑफ कस्टमर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स में। इसका जो प्रोडक्ट का नाम है डेटा इंटेलिजेंस है, इनकी भी इसका भी हम वेबसाइट में देख सकते हैं, इनका भी फ्री ट्रायल हम ले सकते हैं। प्राइजिंग वगैरह की भी अगर हम रिक्वेस्ट करें तो वो हमें प्राइजिंग भी बताते हैं। काफ़ी सारे फीचर्स हैं इसमें, ऑटोमेटेड डेटा लीने जैसे फीचर्स हैं, और इसका एक है कि ये जो टूल है ये ज़्यादातर जो टेक्निकल लोग हैं उनको ईजी है, बट बिजनेस के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल नहीं है। देन SAP का जो टूल है वो है मास्टर डेटा गवर्नेंस। ये जो है ऑन प्रमाइस और क्लाउड में दोनों में अवेलेबल है। इसका जो मास्टर डेटा मैनेजमेंट है
इसमें हमें डेटा गवर्नेंस की फंक्शनैलिटी भी मिलती है इस टूल में, और इसका फ्री ट्रायल और डेमो अवेलेबल है। वर्कफ्लो फंक्शनैलिटी भी है और इसको इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है। इंटरफेस जो है इसका थोड़ा सा ट्रिकी है, जिसको सीखने की ज़रूरत पड़ेगी या ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा है, आपको डेटा गवर्नेंस के बारे में नॉलेज मिली होगी, और अगर आपको इसके बारे में कुछ और डिटेल में जानना है तो मुझे बताइए। और कैसा लगा वीडियो, अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट लगते हैं तो वो भी प्लीज़ बताइए। और बाकी थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड सी यू, बाय बाय।